तो देखो अजामल उसकी 91 वर्ष की आयु थी, तो उसने पाप कर्म किए, उसको 71 वर्ष में ही मृत्यु आ गई। लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो अगर किसी के घर का कुछ खाते पीते हैं या कुछ से कुछ लेते हैं तो उसका 1000 गुना करके देते हैं। तो अजामल के घर में महापुरुष आए, क्योंकि उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कोई ऐसा कोई परमात्मा का कोई भक्त है, हमें जरा भूख प्यास लगी है, हम जरा जलपान करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका मजाक उड़ाया कि ऐसे ऐसे बहुत बड़े भक्त हैं परमात्मा के, वहां जाओ और आपको जो है वो भोजन करा देंगे, क्योंकि उनको पता था कि वो तो उनके उनकी कान छाट कर देंगे जब उनके पास जाएंगे, क्योंकि जामल तो छोड़ता था किसी को। तो चले गए तो अजामल की पत्नी घर में थी, तो उन्होंने कहा कि हमें जरा भूख प्यास लगी है तो हमें जलपान करा दो। तो उसमें कुछ उसके ऊपर कृपा होनी थी मालिक की, तो उसने कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आपको भोजन तैयार करती हूँ। उसने भोजन तैयार किया, उनको बड़े प्यार के साथ खिलाया। तो थोड़ी देर के बाद अजामल आ गया, तो अजामल आया तो कहता है भाई ये कौन बिठाए हुए यहाँ कौन है? तो कहा जी एक महात्मा आए हुए हैं, इनको भूख प्यास लगी थी, मैंने इनको भोजन करा दिया, तो मैं इनको अभी लूट लूंगा। तो महात्मा जी कहने लगे भाई जो कुछ है हमारे पास सब कुछ ले लो, लेकिन हमारी एक बात सुन लो, क्योंकि हमने आपके घर का भोजन खाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देखो अब उसको बहुत ऐसी अग्नि लगी हुई थी अंदर के मेरी औलाद हो जाए, एक एक बच्चा मेरे घर में आ जाए तो बहुत खुशी की बात हो जाएगी। तो महापुरुष तो सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो एक वर्ष के बाद आपके घर में बच्चा हो जाएगा, उसका नाम नारायण रख देंगे। अब महापुरुष जो भी बात बोल देते हैं और कुछ भी बोल देंगे, अगर वो आपने वो काम कर दिया तो आपका काम बन गया। तो एक वर्ष के बाद उसके पुत्र हो गया और उसने उसका नाम नारायण रख दिया। तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको मृत्यु आ गई। जब आगे लेने के लिए जब जब आते हैं तो घुड़कियां मारते हैं, डंडे मारते हैं, हमारे कंठ टूटते हैं, नाक टेढ़ी हो जाती है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, शरीर अकड़ जाता है, पूरा शरीर बहुत बुरी हालत होती है। और तभी कहा है कि दुखम सुखम भयम क्षम कर्मे कर्मणे मापिबद्धते, दुख सुख जो भी है ये अपने भाग्य का होता है, जैसे जैसे हमने कर्म किए उसके मुताबिक। तो उसको मृत्यु आ गई और जन्म लेने के लिए आ गए। जन्म आए तो उसने उसको भय हो गया, भय हुआ तो उसने कहा कि नारायण इधर आओ, नारायण एक ही बार कहा कि नारायण इधर आओ। तो उन्होंने कहा कि किसी महापुरुष के महापुरुष का शिष्य है, संत महापुरुषों का कुछ शिष्य है, यहां इसको हम हाथ नहीं लगा सकते। तो वो चले भागे। तो उसको फिर 91 वर्ष उसने पूरा अल्प मृत्यु आ गई थी। मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक पूरी मृत्यु होती है एक अल्प होती है। तो उसको अल्प मृत्यु आ गई थी, तो उसने अपना पूरा जीवन जिया। तो ये होती है महापुरुषों की मौत। तो तभी कहा के सकृत उचिरितम एन इति हरि अक्षर दुम द्वयम् वद परिकस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति, जिसने उस पवित्र नाम का सच्चे नाम का जो दो दो नामों का नाम है, जिसने उसका जाप कर एक बार भी जाप कर लिया उसका जीवन सफल हो गया, उसको फिर नरकों में नहीं जाना पड़ता। महापुरुषों की दृष्टि जहां भी पड़ जाती है, महापुरुषों के चरण जहां भी पड़ जाते हैं, घास के ऊपर भी पड़ जाते हैं, तो उसको भी मनुष्य चोला ही मिलता है, क्योंकि ये भी जीव है, पानी भी जीव है, इंसान जीव 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 जो है जीव जीव को खा रहा है, फल खाते हैं अनाज खाते हैं, सब जीव है। लेकिन इससे ऊर्ण हम कैसे होते हैं? इससे ऊर्ण होते हैं जो प्रतिदिन 6 घंटे परमात्मा को याद करता है। याद करने का मतलब क्या है? परमात्मा का भजन करता है 6 घंटे, तो वो उससे ऊर्ण होता है। बाकी को सबको सबको घोर नरकों में जाना पड़ता है। तो कभी कहा है कि दया धर्म अगर सब में होता तो सब धर्मी कहलाते,
नरक कुंड में जाता कौन, तो कीड़े किसको खाते, तो वहां भी अब वो तो भूखे मर जाएंगे, अब उनको भी कुछ चाहिए वहां, तो इसलिए जो है कोई पाप कर रहा है, कोई अच्छे कर्म कर रहा है, तो अच्छे कर्मों का भी परमात्मा की कृपा के बिना नहीं काम बात बनती। तभी कबीर साहब भी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना मिले कभी ना ज्ञान, सतपुरुष के सत्संग बिना नर पशु एक समान। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि उस परमात्मा की कृपा के बगैर तो नाम नहीं मिल सकता। ईश्वर की कृपा के बिना मिले कभी ना ज्ञान, सतपुरुष के सत्संग बिना नर पशु एक समान। तो सत्संग की बहुत बड़ी ऊंची महिमा बताई है, बहुत बड़ी ऊंची महिमा बताई है। सत्संग बहुत बड़ी ऊंची चीज है। जिस प्रकार संसार के अंदर बहुत चीजें ऐसी है जो मिलती नहीं है, जैसे कस्तूरी है, चंदन है, केसर है, ऐसे ही संत महापुरुषों की संगति, उनका सत्संग बहुत भाग्य से मिलता है। जिसके बहुत बड़े ऊंचे भाग्य होते हैं उसी को प्राप्त होता है, बाकी सबको नहीं मिलता, ये उसी को प्राप्त होता है। तो तभी कहा है कि कस्त्राति मायाम यह संगा सत्य जति यो मानुभावम सिरते निर्मयो भक्ति। कहते हैं कि जो प्राणी, जिस प्राणी के ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है और वो संतों के सत्संग में आ जाता है, उसकी उसका जीवन बीमा हो जाता है। सत्संग में आने से ही हो जाता है, लेकिन जो नाम प्राप्त कर लेता है उसके तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन हम बुरे काम छोड़ना नहीं चाहते, बुरे कामों में हम लगे हुए। ये साम तवतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम, इस श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि साम तवतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम। जो प्राणी पुण्य कर्मों को करता है, पुण्य कर्म करता है, उसकी रक्षा परमेश्वर करता है। वो कभी भी असत पथ पर नहीं चलता, वो सत पथ की ओर चलने का प्रयास करता है, उसके ऊपर ही चलना शुरू कर देता है। लेकिन जो असत पथ के ऊपर चलता है उसकी बुद्धि के ऊपर इतनी मैल चढ़ जाती है कि वो सत्य को कभी स्वीकार नहीं करने देती, ऐसी मैल जम जाती है उसके ऊपर। तो तभी जो कह रहे हैं कि धर्मेन एना पशु भी इस माना, कि जब प्राणी की बुद्धि पर पापों की मैल बहुत ज्यादा चढ़ जाती है तो फिर उसकी बुद्धि इतनी मैली हो जाती है कि फिर वो परमात्मा को स्वीकार नहीं करने देती, क्योंकि निर्मल बुद्धि ही परमात्मा को स्वीकार करती है। तो अपनी बुद्धि को, इंसान को निर्मल बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए, गंदे विचार नहीं आने चाहिए इंसान के अंदर। गंदे विचार आ गए तो वो कुसंगति है। कुसंगति क्या है? कभी भी परमेश्वर नहीं मिलेगा, जन्मों जन्मांतरों तक नहीं मिलेगा जो कुसंगति में रहता है। कुसंगति बहुत बुरी चीज है। अच्छी संगति करो, अच्छी किसी संत महापुरुष की संगत में जाओ, तो फिर हमारा जीवन बीमा हो जाता है। पहले का समय था सावन सिंह जी के टाइम पर, तो उस समय ट्रेन में जाया करते थे महापुरुष, ट्रेन में जाते थे, कारें बहुत कम होती थी। तो सावन सिंह जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष थे, परमात्मा थे वो, तो वो ट्रेन में जा रहे थे तो बाहर प्रकृति का नजारा देख रहे थे, बाहर दृष्टि जो है डाल रहे थे। महापुरुषों की मौज होती है, जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ जाती है वहां तो मंगल ही मंगल हो जाता है, वहां किस चीज की कमी रहती है। तो एक ऊंटनी सवार भागा हुआ जा रहा था, डाका डाला हुआ था उसने कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, भाग रहा था। तो एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए सावन सिंह जी की और उसकी नजर मिली और काम बन गया। जिस समय उसका मृत्यु तो सबको आनी है, अंत समय सबका आएगा, तो उसका जब समय आया तो सारा परिवार बैठा हुआ था और भी रिश्ते नाते बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि गुरु महाराज आ गए। बड़ा बहुत खुशियां हो रही थी, क्योंकि उस समय इतनी खुशी होती है, उस समय इतनी खुशियां होती है कि
जिसका वर्णन नहीं, इतने बाजे बजते हैं, इतने सायरन बजते हैं, इतनी जय जयकार होती है, इतनी फूलों की वर्षा होती है, इतना स्वागत होता है उसका, जिसका वर्णन नहीं। सारे जितने भी मंडलों के जितने भी देवी देवता और क्या सारे उसके ऊपर पुष्प बरसाते हैं। तो तभी कहा है कि आए हैं सो जाएंगे, यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया हुआ है जो सदा के लिए रहेगा, सबको जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फिर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधी जाए जंजीर। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन चार दुख ऐसे हैं, चार दुख ऐसे हैं इंसान को जो कि बहुत दुखी करते हैं, उनका उसको भुगतान करना पड़ता है। जन्म जन्म दुखम, जारा दुखम, जाया दुखम, अंत कालम महादुखम, तस्मात जागरी ही जागरी ही। के इंसान जागो, मृत्यु क्या पता कब आने वाली है, कब आ जानी है, और क्या पता कौन सी बीमारी लग जानी है, कौन सा दुख आ जाना है, कौन सी घड़ी में क्या दुख आ जाएगा, कोई पता नहीं है। तो इसलिए जागो, उस नाम को प्राप्त करो, अपने अहंकार को मिटा दो, बुराइयों को छोड़ दो। जो आप सोचते हैं कि हमें ये बुरी चीजें छोड़नी पड़ेगी, जो हम नशा पता करते हैं या दूसरों का मांस खाते हैं नोच नोच के, कितनी बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, पाप लगता है गलती बार भी तो, पर लेकिन समझाना पड़ता है। दूसरों का अपने ऊपर एक सुई जो डाल के देखो कितना दर्द होता है, दूसरों को तो खा जाते हैं। तो ऐसी चीजें कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीजें अपना जीवन सात्विक बनाओ, अच्छा बनाओ, अच्छा अन्न खाओ, अच्छा भोजन लो, अच्छी बुद्धि बनेगी, अच्छा शरीर बनेगा, अच्छा परिवार बनेगा। तो बुरी चीजें छोड़ दो, इससे कोई लाभ नहीं होता। अगर शरीर में जहर डाली, नशा पत्ता डाला, तो फिर ये एक दिन ये हमारा ब्लड जो है बड़ी जल्दी ग्रीस की तरह बन जाता है, जैसे कार में हम मोबिलाइल डालते हैं कितना साफ होता है, तो फिर वो ग्रीस की तरह गाढ़ा हो जाता है, फिर वो सीज हो जाती है, चल नहीं सकती फिर। उसी प्रकार से फिर हम कोई काम नहीं कर सकते, फिर मरना ही पड़ता है। तो इसलिए अपना जीवन हमेशा अच्छा रखो, अच्छा बना लो, ताकि जिस दिन हम जय भी तो फिर आपकी जय जयकार हो, यहाँ भी और वहां भी, यहाँ भी वहां के लिए भी फिर आपकी जय जयकार ही है, फिर किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं है। यहाँ तो थोड़ी घड़ी का है, एक आंख फरकने का समय भी नहीं है, पहले तो 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, 10,000 हाथी का बल होता था इंसान के अंदर, आज कितनी आयु है, आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इंसान को थोड़ा विचार करना चाहिए। तभी कहा है कि मुनि शिष्य पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सिया मरण हरण दशरथ को वन में भी पड़ी, कहां पारदी कहां मृग चरी, सिया हरि लेक रावण सोने के लंक चली, नीच हाथ हरिचंद्र पिकाने बलि पताल धरी। तो जो जिस समय रावण जो था, रावण जब जंगलों में गया सीता को देखा तो कहता है कि तो इसको तो मैं अपनी रानी बनाऊंगा, और देखो उसने अपनी नजरें कितनी गंदी कर ली, दृष्टि को, दृष्टि के अंदर कितना विकार आ गया उसके, गिर गया। और फिर उसने जब सीता को लेने के लिए गया, कैसा मृग बना दिया सोने का, और सीता कहती है कि मुझे ये चाहिए, इसको ला करके दो। ये माया का प्रभाव हो गया सीता के ऊपर भी, माया बहुत बड़ी ठगनी है। तो रावण जो है साधु के भेष में आया, जो प्राणी एक साधु का भेष करके आता है, या ये सोचे कि उसने कोई नाम लिया है या कुछ किया है और फिर वो पाप कर्म करता, तो बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है, उसको फिर ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो इसलिए जो है फिर तभी उसका पतन हुआ। तो राजा निरीक था, राजा निरीक कितना बड़ा धर्मात्मा राजा था, हजारों साधुओं को भोजन कराता था प्रतिदिन, हजारों गऊओं का
दान करता था, लेकिन उसने दान किया, दान भी प्रिय वस्तु का होता है, तो उसने ऐसे गवों का दान कर दिया जो दूध ना देने वाली थी, ऐसे गवों का दान किया, और जिनका दान एक बार कर दिया था उसका दूसरी बार दान किया, तो उसको पाप लगे। और राजा नरी को फिर गिरगिट के योनि में जाना पड़ा, गिरगिट की योनि में गया वो, तो कितना दुख उसको भोगना पड़ा। लेकिन हम ये सुनते भी हैं, जो दृष्टांत है हम पढ़ते भी हैं, वे तो शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारी रहनी सहनी वैसी है, तो कम से कम थोड़ा अपने ऊपर सुधार लाने का प्रयास करो कि हम अच्छे बन के रहें संसार के अंदर, ताकि संसार इतना अच्छा बने, इतना साफ सुथरा बन जाए। सतयुग था, सतयुग के अंदर हरेक प्राणी सब तक पर चलता था, कभी उनकी 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी, 1,000 हाथी का बल था, लेकिन जो कुछ भी वो बोल देते थे वो ही हो जाता था, जो भी बोल देते थे वो हो जाता था। तो आज त्रेता युग आया, त्रेता युग के अंदर धर्म का पतन हुआ, 10,000 वर्ष रह गई। द्वापर युग आया, धर्म का पतन हुआ, अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया सभी जीवों ने। तो द्वापर युग में 1,000 वर्ष रह गए, कलयुग आया तो 100 वर्ष आयु रह गई, आयु का पतन हो गया, 100 वर्ष भी नहीं है। अब तो नशा पता करेंगे तो 50 साल लगा लेंगे, 20-25 साल लगा लेंगे, अगर अपने धर्म के ऊपर तत्पर रहेंगे तो 100 वर्ष निकालेंगे आराम से, कोई रोग नहीं लगेगा, कोई दुख नहीं लगेगा, आराम से निकाल लेंगे। बच्चे 100 क्यों कर रहे? तो इसलिए हम भी अपने ऊपर थोड़ा एकांत में बैठे, जिसमें सन्नाटा पड़ा हुआ होता है रात को, उसमें आपका आराम करने का समय होता है, उसमें जागो तीसरे पैर में सुबह, और देखो अपने अंदर कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, उस कमी को हम कैसे दूर करें, उस कमी को हमने कैसे दूर करना है। और जब आप उस कमी को दूर कर लें तो देखो कि हमारे अंदर कितने गुण आए, कितने अच्छे गुण आ गए, पता चल जाता है। तो इसलिए अमृत वेला, तभी कहा है कि अमृत वेला सच नौम डे चार, गर्मी आओ कपड़ा नगरी मुख द्वार, नानक कहवे जानिए सब आपे सत्यार। तो अमृत वेला में 3-4 बजे जो जाग जाता है और परमात्मा का भजन सिमरन करता है, उस समय का जो समय होता है वो अमृत वेला होता है, उस समय वो अमृत प्राप्त होती है। तो उस समय का भजन किया हुआ ही फलीभूत होता है। उस समय क्या होता है, जितने दिनचर्या की है आपने, अच्छा बुरा जो भी कर्म किया है वो उससे आप भूले हुए होते हैं, और जो रात का भोजन खाया हुआ होता है पच जाता है, शरीर बिल्कुल निष्प्रांत होता है। उसमें जो हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो हमारा जो है परमात्मा स्वीकार करता है, और जो हम पाप भी कर रहे हैं परमात्मा को भी याद कर रहे हैं तो और पाप लगता है। तो इसलिए पहले अपने आप को परिशुद्ध करो, पवित्र बनाओ, फिर उस पवित्र नाम का, उस पवित्र नाम का परमात्मा का भजन सिमरन करो, तो फिर हमारा जीवन जो है ये सोने से भी अति सुहावना बन जाता है, सोने से भी अति सुहावना बन जाता है। गुरु साहब फरमान कर रहे हैं कि काइयां कंचन शब्द विचारा तिथे हर बसे इस अंत न पारा बारा। तो ये शरीर जो है ये सोने का बन जाता है, सोने जैसा बन जाता है, तिथे हर बसे वो फिर वहां पे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, अन दिन हर से भी सच्ची वाणी हर जो शब्द मिलाएगा। तो फिर प्रतिदिन आप अगर 6 घंटे नहीं बैठ सकते, 2 घंटे बैठो, 3 बैठो, जितना आप परमात्मा को का स्मरण करेंगे, उसको याद करेंगे, वही समय वही घड़िया हमारे मानवीय जीवन के खाते में अंकित होती है। बाकी जितनी भी घड़िया है
जो भी हम जितना समय भी हम संसार में गुजारते हैं वो सब अकार्थ में चला जाता है, उसका कोई लाभ नहीं होता, वो ऐसे बीत जाता है। तो इसलिए अपने जीवन को स्वच्छ बनाना है तो उस नाम को प्राप्त करना है। कबीर साहब कहते हैं कि इस माटी के महल में मगन भया की मूड, कर साहिब की बंदगी उस साई को ढूंढ। के इंसान इस मिट्टी के महल के ऊपर, ये मिट्टी का महल है जिस शरीर के अंदर हम रहता है जिस मकान पे, वो मकान है पराया, एक दिन पड़ेगा जाना, डेरा है क्यों जमाया, आगे की कर तैयारी तुझको है दूर जाना, भूले हुए मुसाफिर तुझे है दूर जाना। तो हमने बहुत लंबी यात्रा पर पता नहीं कब निकल जाना है, कब चलना पड़ेगा, वो बहुत लंबी यात्रा है, एक दिन में नहीं पहुंच सकते। हम अगर ये सोचें कि हम पाप कर्म कर ले, थोड़ी एक दिन मार खा लेंगे फिर सुख मिल जाएगा, लेकिन नहीं, फिर नरकों सदा के नरकों में सड़ना पड़ता है। तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुणे मर्त्य लोकम शांति। तो तब कह रहे हैं कि तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम, अगर आपने अच्छे कर्म कर लिए तो अच्छे कर्मों का फल क्या है, स्वर्ग है। अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग है, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो स्थाई मुक्ति चाहिए। और अगर आपने नाम का भजन सिमरन कर लिया तो आप मुक्त करे संसार सदा तिस जन को नमस्कार, तो फिर आप मुक्त हो गए, फिर आपको किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं रह गया, फिर आपका काम बन गया। तो उस नाम का भजन सिमरन जो है, जब तक हम नहीं करेंगे उसको प्राप्त नहीं करते। ये बड़े भागों से मिलता है, कोई ही भाग्यशाली जो है नाम की तरफ आता है, तो उस नाम को हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। तो तभी कहा है कि कृष्णोति मंगलम नाम यस्य वाची परवर्ते भस्मी भवंती सदस्तु महापातक कोटे सर्वे साम अपि अज्ञानम लक्षणानी वर्तानी चतिर्सनानी सर्वाणी तपस्या अनसनानी वेद पाशस्त्राणी प्रदीक्षणम भूवसतम। तो कह रहे हैं कि जो जितना कुछ भी जप तप है, इससे तो केवल मात्र एक 10% ही पुण्य फल मिलता है, बाकी जो नाम है बाकी 90% जो है 100% जो आपको लाभ मिलेगा वो नाम के भजन सिमरन से ही मिलता है। तो तभी कहा है कि यस्य नाम स्वीकृत्य सर्वताप सनम कृष्ण नाम जपस्य यस्य कला मूर्ति सार्थिम। तो उस परमात्मा के नाम को प्राप्त करके उस नाम को भजो, उसको जपो, उससे ही हमें सुख मिलेगा। ऐसे इस संसार में सुख नहीं है, इस संसार में तो दुखी दुख है। तो हम दुखों में पड़े हुए हैं, दुखों से घिरे हुए हैं, और कब हम अपना सुधार करेंगे, कब हम अपने आप का बचाव करेंगे, कैसे हम उन नरकों से बचेंगे, कैसे हम जमों की मार से बचेंगे। तो जब राजा आन पड़ोगे तो नेक दरत नहीं धीर, मुंगरीन मार के प्राण निकासत नैना न भरा आयो नीर, नाम ना बेड़ा रोग नेरा खे बैठे हैं वे पीर, घर तिरिया दंगी बैठी मात पिता सुतवीर, माल मुल्क की कौन चलावे संगना जात शरीर, लेके मोरत नर कुंड में व्याकुल होत शरीर, नर अब से चेतो माफ होए तकसीर। तो अगर समय के रहते हुए अगर चेत जाए और हमारे ऊपर कृपा बन जाए, संत सतगुरु की कृपा हो जाए, तो वो नाम प्राप्त हो जाए, तो फिर हम बच सकते हैं, हमारा बचाव है, नहीं तो फिर हमें पछताना पड़ेगा। संसार की कोई भी चीज हमारी अपनी नहीं है, कैसे सूत कैसे मात पिता, माया निर्मित सब नाते हैं। कर्म विवश मृत्यु लोक में जीव आत्मा आते और जाते हैं,
करोड़ों युग व्यतीत हुए, सृष्टि बने, संसार बने, मात पिता पुत्र उतनी ना जाने कितनी बार मने, मिट गई कितनी बार ये सृष्टि, पर आवागमन का चक्कर ना मिटा, लाख चौरासी का चक्कर चलता रहा, न रुका कभी। यह हर रिश्ता मन की कल्पना है, यह रिश्ता मन की भावना है, जिसे तुम अपना समझते हो सब सपना ही सपना है। तो ये संसार क्या है? एक सपना है, यहाँ कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है। जो भी है, जिसको आप अपना मानते हो, जिसका देना है वो लेने के लिए आया है, जिससे लेना है वो देने के लिए आया हुआ है, बस यही संबंध है। जिसमें व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि का जन्म हुआ, वो तो आ नहीं रहे थे संसार में, आ नहीं रहे थे, तो ये कह रहे थे कि मैं इस माया के संसार में नहीं आना चाहता, भीतर बाहर से ही प्रसन्न हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे जन्म देना है, मैं इस संसार में आऊं, तो ये माया को हटा दो थोड़ी देर के लिए, जितनी देर में मैं जन्म लूंगा। तो अब माया हटा दी, फिर तो बहुत बड़ा घटनाक्रम हो जाएगा, जिसका जन्म उस समय होगा वो अमर हो जाएगा, उसको कोई मार नहीं सकता। तो फिर अब क्या करें? तो थोड़ी देर के लिए माया को हटा दिया और सुखदेव का जन्म हुआ। तो उस समय नरसिंह देवते कुछ ऐसे ऐसे उस समय जो है ये उसमें इनका जन्म हुआ, तो इनको कोई मार नहीं सकता है, दुनिया को किसी को भी चिमड़ जाते हैं, कोई अच्छा पशु है उसको चिमड़ जाएंगे, या किसी मां बहन को चिमड़ जाते हैं, या किसी को भी, इनका काम यही है, दुख दिलाते रहते हैं। तो ये थोड़ी घड़ी में जब उसको जो माया को हटाया था, तो उस समय ये घटनाक्रम हो गया। तो इसलिए जो है हम भी इस माया से छुटकारा पाएं, इस माया के जाल से बच जाएं, माया का जो फंदा पड़ा है उसको उतार दें, तो फिर हमारा जीवन जो है ये सफल हो सकता है। नहीं तो फिर हमें वो घड़ी दूर नहीं है, जो घड़ी जो मृत्यु हमारे पीछे लपक रही है, पता नहीं कौन सी घड़ी में उसने झपटा मार करके उठा करके ले जाना है, कोई पता नहीं चलता। तो तभी कहा है कि अगले पल की खबर नहीं कल का करता साज, काल अचानक मारेगा जो तित्र को बाज, कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। तो अच्छा काम करना है तो आज ही कर लो, उसको कल पर मत रखो, उसको टालते चले जाओ। बुरा काम है उसको टालते चले जाओ, अच्छा काम करना है उसको आज ही कर लो, तो तब लाभ है। लेकिन हम बुरे काम, तभी कहते हैं ना बुरे काम नो लिया का नाम की वेला पे पे सोया, जब परमात्मा का नाम भजना होता है तो नींद आ जाती है, एकदम नींद बहुत प्यारी है, परमात्मा का नाम छोड़ देते हैं। जिसने सब कुछ दिया है, जान दी है, जिसने नाम भी देगा वही, जिसका इखलाक है उसी का रजाक है, खुदा को भूल गए लोग, फिक्र रोजी रोटी में रिजी का ख्याल है, रजाक का ख्याल नहीं। लेकिन ये चिंता लगी है कि हम क्या खाएं क्या करें, अरे रोटी मिलती है तो खा लो, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, जिस दाता ने आपको जन्म दिया है वो आपको भूखा कभी नहीं छोड़ेगा, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो चिंता ताकि कीजिए, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार का नानक थिर नहीं कोए, चिंता तो उस चीज की करो जो हमें सब कुछ छोड़ना है एक दिन, जो इस संसार का सब कुछ छोड़ छाड़ करके हमने चले जाना है, जो अनहोनी होने वाली है, अनहोनी एक दिन होनी है, मृत्यु सबके लिए है, इसने एक दिन लपक लेना है, ये किसी को नहीं छोड़ती है। तो इसलिए हम परमात्मा के नाम को जपें, परमात्मा के नाम को ध्याएं, तो फिर बहुत हमें जो है सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, नहीं तो फिर हमें फिर पछताना पड़ेगा। तो इसलिए तभी कहा है अर्धम तैयार है तू पाप के माने के लिए, अर्धम तैयार
पाने के लिए कुछ तो समय निकाल रे। हरि गुण गाने के लिए कुछ तो समय निकाल रे। हरि गुण गाने के लिए गर्भवास में कल किया था नाम जपूं मैं तेरा। गर्भवास में कल किया था नाम जपूं मैं तेरा। भूल गया झूठी दुनिया में नाम जो लेना मैं तेरा। ऋषि मुनि सब आते समझाने के लिए कुछ तो समय निकाल रे। हरि गुण गाने के लिए संसार में जब आया माया में विस्माया। क्या हाल तेरा होगा हरि नाम को सिमर ले। अंत साथ तेरा होगा हरि नाम को सिमर ले। अंत साथ तेरा होगा हरि नाम को सिमर ले। अंत साथ तेरा होगा रहता है जिस्म का पे बोम कान है पराया। रहता है जिस्म का पे बोम कान है पराया। एक दिन पड़ेगा जाना डेरा है क्यों जमाया। आगे की कर तैयारी तुझको है दूर जाना। आगे की कर तैयारी तुझको है दूर जाना। हरि नाम को सिमर ले। अंत साथ तेरा होगा हरि नाम को सिमर ले। अंत साथ तेरा होगा। तो प्यारे बहनों और भाइयों कह रहे हैं कि हरि नाम को सिमर ले अंत साथी तेरा होगा। संसार के साथी तो सब छोड़ जाते हैं। ये तो सब मतलब के रिश्ते हैं, मतलब के नाते हैं, ये सब छोड़ जाते हैं। कोई साथ नहीं निभाता। जब समय आ जाता है तो सब दूर दूर हो जाते हैं। कोई साथ नहीं निभाता। मतलब की ये नगरी, मतलब का है संसार। तुम पासना इसके जाया करो। साथ दिया है किसका किसने धोखे में ना आया करो। तो कोई किसी का साथ नहीं गया। चाहे कोई कितना भी बड़े दावे करता है कि मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, तेरे बगैर रह नहीं सकता, लेकिन कोई किसी का साथ आज तक नहीं गया। कोई किसी का साथ नहीं जाता। तो इसलिए संसार की वस्तुएं नाशवान है। तो जब इस इंसान इस चोले में आया था, इस शरीर में आया था, तो उसने वायदा किया था परमात्मा से कि मैं संसार में जाऊंगा तो मैं आपका भजन सिमरन करूंगा। संसार में आया, विषयों में भटकाया कि हाल तेरा होगा। हरि नाम को सिमर दे अंत साथी तेरा होगा। तो वायदा किया था परमात्मा से कि मैं फिर जब मनुष्य चोले में जाऊंगा तो तेरे नाम को भजूंगा। लेकिन भूल गया, जब संसार में आ गया तो माया की ऐसा इसको
माया का प्रभाव हो गया इसके ऊपर, तो इतना भूल गया कि इसने परमात्मा को याद नहीं किया। तो परमात्मा को हर घड़ी हर पल याद रखो, श्वास श्वास हर नाम जप कृपा श्वास मत को ना जाने के श्वास फिर ना हो, तो क्या पता अगला श्वास आएगा या नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए एक एक श्वास परमात्मा को याद रखो, एक एक श्वास उसका भजन सिमरन करो, और एक एक पग पर फिर आपको कोटि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा जो उस नाम का भजन सिमरन करता है। आप देखिए राजा जनक के समय का वाक्य है, राजा जनक को चार जन्मों का पूरी याद थी कि मेरे को चार जन्मों में चार गुरु मिले, लेकिन अधूरे मिले, पूरा गुरु नहीं मिला, और मुझे बार बार मृत्यु का दुख झेलना ही पड़ रहा है, बार बार मुझे मृत्यु का दुख झेलना पड़ता है। तो इसलिए मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो गुरु के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि तभी कहा है कि अध्यात्म विद्या सर्व धनम प्रधानम विद्या ददाति ज्ञानम। तो अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम अपनी अपने आप को परिशुद्ध कर सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी सफाई कर सकते हैं, वैसी है। तो चौथे जन्म के अंदर उसने क्या किया, वो प्रतिदिन अपने राजपाट भी करता था, लेकिन प्रतिदिन सत्संग होता था, महापुरुषों का सत्संग होता था, लेकिन पूर्ण महापुरुष को पुरुषों की तलाश थी। तो जब 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 जो है उनको पता चला कि हमें कुछ इसका उपाय करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सोना चांदी, बहुत सोने की मोहरे, बहुत धन दौलत रख दी कि जो भी मेरा गुरु बनेगा उसको ये दान दिया जाएगा, ये इसको दिया जाएगा, और बहुत बड़ा ऊंचा सिंहासन लगा दिया कि वो इस सिंहासन के ऊपर बैठेंगे। तो बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े पंडित आ गए कि हम राजा जनक के गुरु बनेंगे, उनकी नजर धन दौलत के ऊपर थी, तो बैठ गए बड़ी बड़ी पोथियां लेकर के। तो राजा जनक ने प्रसन्न कर दिया कि मेरा गुरु वो होगा जो घोड़े की एक रकाब से दूसरी रकाब तक पहुंच जाते हुए मुझे परमात्मा का अनुभव दे देगा, वही मेरा गुरु बनेगा, वही सिंहासन के ऊपर बैठेगा, उसी को ये दान दक्षिणा दी जाएगी। तो पंडित चुप हो गए। अभी तो महात्मा जी जो पूर्ण थे उस समय के, ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब पूर्ण महापुरुष नहीं होते, होते हैं। तो अष्टावक्र जी जंगल में बैठे हुए थे, तो उनको पता चल जाता है कि कहां से धुआं उठ रहा है, पता चल गया कि अगर मैं नहीं जाऊं तो दुनिया कहेगी कि क्या इस समय कोई पूर्ण महापुरुष है नहीं, तो उनको आना पड़ गया, आए।